आपके अपनी वाइफ के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? जी देखिए मिस्टर समर, अगर आपकी वाइफ के साथ आपकी कुछ अनबन हुई है तो इस प्रॉब्लम को फौरन सॉल्व करें। अपने झगड़ों की सजा उस मासूम को क्यों दे रहे हैं जब तक दुनिया में आया ही नहीं? डॉक्टर साहब आप क्या कह रही हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप खुल के कहिए। ठीक है मैं सीधा अपने मुद्दे पे आ जाती हूँ। आपकी वाइफ मिसेस दिलकश क्या ये बच्चा नहीं चाहती? क्या मतलब? मतलब ये कि वो ऐसी मेडिसिंस इस्तेमाल कर रही हैं जो लगातार बच्चे की सेहत को नुकसान दे रहा है। ये मेडिसिंस देने की दो ही वजूहत हो सकती है ना, या तो मेंटल स्ट्रेस या फिर वो बच्चा नहीं चाहती। पर ऑनेस्टली ऐसा कुछ है नहीं, वो तो इस बच्चे की आमद पर बहुत ही खुश है। ये तो आपको खुद उनसे पूछना होगा। ये रिपोर्ट्स हैं आप भी देख लें। लेकिन देखिए मिस्टर समर, इस मसले को आपस में डिस्कस जरूर कीजिएगा। इस तरह बच्चे को खत्म करना जुर्म है। जी शुक्रिया। कश तुम मेरे मुकाबले पर कभी नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी कर लो। मैं समर के दिल से तुम्हारी मोहब्बत को मिटा कर ही रहूंगी, देखना तुम। अल्लाह जाने क्या हो रहा है मुझे, सुबह से समर का फोन भी नहीं आया। कहीं मेरे यहाँ आने पे नाराज तो नहीं हो गए? मैं खुद ही उन्हें फोन कर लेती हूँ। ये ले बेटा। अम्मी मैं अभी आई। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैरों पकड़ के आराम से बैठो। बैठे बैठे भी थक जाती हूँ मैं तो। बेटा थोड़ा सा आराम कर लो ना, तबीयत बेहतर हो जाएगी। लो एक घूंट सूप पी लो, भी बच्चे को भी ताकत मिलेगी। सूप नहीं अम्मी, वो दलिया ला देना जो माहिरा लाई थी मेरे लिए। वो तो मैंने फेंक दिया। क्या क्यों, मैं अपनी बेटी के लिए दलिया खुद से नहीं बना सकती? और बात सुनो, उसको भी मना कर देना आइंदा से हमारे घर में कोई चीज बना के ना लाए। मैं खुद खिला सकती हूँ अपनी बेटी को। मैं प्यार से लाई थी अम्मी वो मेरे लिए। अच्छा लो तुम ये सूप पियो, बच्चे को भी ताकत मिलेगी। दिलकश, दिलकश, क्या हो गया मेरी जान? अम्मी मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा ऊपर जाके करके बैठो, ऊपर बैठो। अच्छा मैं तुम्हारे लिए ना फ्रूट लेकर आती हूँ, वो थोड़ा सा खाओगी ना ताकत भी मिलेगी और बच्चे को भी मिलेगी। बेटा मैं अभी आई। हाँ ये मेडिसिंस लेने की दो ही वजूहत हो सकती है ना, या तो मेंटल स्ट्रेस या फिर वो बच्चा नहीं चाहती। अरे तुम आ गए, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। कल जब तुम दिलकश को मिलोगी तो ये उसे दे दे। तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस करके दिलकश के रूम में रख दिए, तुमको तो मैं यहाँ ले आऊं?
मैं ले लो। अरे बेटा ऐसी हालत में ऐसे ही होता है, दिल भी मत लाता है, उल्टी भी आती है। थोड़ा सा लींबू पानी पी लो, ठीक हो जाओगी। मैं बोला नौशीन, नौशीन लींबू पानी बना के ले आओ बेटा। अम्मी समर से मेरी बात करवा दे। अच्छा बेटा मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के लाती हूँ। समर ये तुम्हारी चाय। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। अल्लाहू अकबर। क्यों किया? तेरे कुछ नहीं ऐसा? दिलकश कैसे कर सकती है? अगर ये सब है तो फिर ये नाटक की क्या जरूरत है? नाटक? कौन सा नाटक? दिलकश ये बच्चा नहीं चाहती, इसे गिराने के लिए दवाइयां खा रही है, डॉक्टर ने बताया मुझे। तौबा तौबा, दिलकश ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? कि नहीं आता ना, जाके अपनी आंखों से रिपोर्ट देख लो, यही लिखा है उसमें। वैसे ना जब पहले दिन से ही शक था कि दिलकश और हारून एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन तुम ही हो के। इसका मतलब मेरा पहला शक दुरुस्त है। मेरे दोस्त ने मेरी इतनी मदद की और उसके बदले मेरी बीवी से ही। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। वैसे बात बताऊं तो मैं, जितना मैं दिलकश को जानती हूँ ना, उसको हमेशा से हारून जैसे ही लड़के पसंद थे। मैं तो बस उस बेचारे बच्चे का सोच रही हूँ जिसकी माँ उसको इस दुनिया में ही नहीं लाना चाहती थी। मानस में दिलकश का कोई कसूर नहीं है। क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ये कह रहे हो कि दिलकश की कोई गलती नहीं है? हाँ उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने तनहा छोड़ दिया उसे, उसका हक नहीं दिया। अरे वो तो मेरी माजूरी की वजह से मेरे साथ छोड़ी रही, मेरी खिदमत करने का भूत जो सवार रहता है उसके सर पे। अगर दिलकश मुझे पहले ही बता देती कि वारून को पसंद करती है तो मैं खुद दोनों की शादी करवा देता।
तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता ना तुम किसके लिए कह रहे हो और क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है। अच्छी तरह जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। हारून मेरा दोस्त है, भाई जैसा। तुम भी जानती हो दिलकश और हारून के मुझ पर कितने एहसानात हैं। और शायद यही सही वक्त है उन सारे एहसानात का बदला चुकाने का। मैं दिलकश और हारून को एक करूंगा। वहाँ वैसे देख रही हैं, सब मुझे दिखाने के लिए कर रहे हैं। वैसे ऐसा लसल ही होता है अम्मा, यही दावत तो पूरे ससुराल वालों ने मिलके की थी। भाई माशाल्लाह मेरी बेटी के क्या कहने। वैसे तुम्हारे ससुराल वाले नजर नहीं आ रहे और समर भी नहीं आया क्या? समर तो नहीं आएगा लेकिन सास ससुर शायद आते ही होंगे। हाँ, अपनी चहेती बहू की सारी बलाएं लेने के लिए। वैसे अम्मा खूब शॉपिंग की मेरी सास ने दिलकश के लिए, उसके आने वाले बच्चे के लिए। समर क्यों नहीं आएगा? वो तो बड़े सदकेवारी जा रहा था, अब क्या हो गया? अम्मा मैंने वैसे ना इस बार ऐसा काम किया कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? तफसील से बताऊंगी अम्मा बाद में आराम से। वैसे समर के ना आने पर यहाँ ड्रामा क्या होने वाला है उसका मजा लीजिए अम्मा। मायरा तुम अकेली आ गई, नजमा आंटी क्यों नहीं आई? मैं अकेली तो नहीं आई, अम्मा के साथ आई हूँ। आंटी कहाँ है वो तुम फोन करके पूछ लो। भाई चलो बहुत मुबारक हो, देर से ही सही लेकिन अल्लाह ने दिलकश की गोद भर दी। जो लोग दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं ना अल्लाह उन्हें ऐसे ही तोहफों से नवाजता है, वो भी बिना मांगे, फिर चाहे जल्दी हो या देर। हमारी दिलकश भी ऐसी ही है। मैं आती हूँ जरा मेहमानों को देखकर। देख रही हूँ अम्मा कैसे तंज मार के गई है। भाई दफा करो, मुझे तो अब उस ड्रामे का इंतजार है। कब शुरू होगा? सबर अम्मा। मैं वैसे दिलकश को देख कर रहा हूँ कितना तैयार हुई हूँ। समर आए क्यों नहीं अब तक? मुबारक हो भाई, क्या बात है, आ गई तुम, बहुत हंसी लग रही हो। समर कहाँ है? मुझे क्या पता, कहीं बिजी होगा। तुम मुझे भूल गई हो ना। लोग ठीक कहते हैं कि लड़की लड़की की दोस्ती ज्यादा टिक ही नहीं सकती। अब देखे ना भाभी, मेरे आने की खुशी ज्यादा इसको समर का इंतजार हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है मायरा, तुम्हारे आने की बहुत खुशी है मुझे। हमारे दरमियान जो कुछ भी था सब खत्म हो गया और तुम मेरी खुशी में शामिल हो, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। लेकिन समर कहाँ है? तो बस ठीक है, हम सहेलियों को खुशी मनाने से कोई नहीं रोक सकता, और रस्म करने चले। हाँ हाँ रस्म होगी, सब कुछ होगा, लेकिन सब लोग आ तो जाएं, ऐसी भी क्या जल्दी। हाँ तुम ठीक कह रही हो दिलकश, जिसकी वजह से ये सारी महफिल सजे वो तो आज है, उसका कुछ अता पता ही नहीं। समर बिल्कुल ऐसे ही, वक्त पे आना तो उनकी फितरत में नहीं, लेकिन कॉल के पक्के आएंगे जरूर, चाहे देर से ही सही। हाँ तो बस ठीक हो गया, अब समर आएगा तभी रस्म करेंगे। समर नहीं आएगा। क्यों मायरा ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएंगे। इंतजार करना बेकार है। अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे वो, मैं फोन करती हूँ।
अल्लाह, ये लड़का कहाँ रह गया? हद है वैसे लापरवाही की। क्या बस समर ऑफिस से नहीं लौटा? नहीं, मायरा से बात हुई है। मायरा को छोड़ो, तुम्हारी बात हुई थी समर से। सुबह से 36 कॉल कर चुकी हूँ, मजाल उस लड़के ने एक भी कॉल का जवाब दिया मुझे। बताओ जरा, तकलीफ में सब हमारा इंतजार कर रहे हो, पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया। एक तो मैं इसकी इन लापरवाहियों से तंग, क्या जरूरत है ऑफिस जाने की, छुट्टी कर लेता आज। मायरा पहुंच गई? जी, वो मोहतरमा खैरियत से पहुंच गई। चलो ये अच्छी बात है कि हमारे घर से कोई पहुंच गया वहाँ। लेकिन अलीम साहब वो सौतन है, उसका पहले पहुंचना अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। नजमा, तुम्हारे पुराने रस्म और रिवाज की बातों से मैं बहुत तंग। पुराने रस्म और रिवाज की बात नहीं है अलीम साहब, ये पुराना खौफ है जो मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा। माहिरा बदली नहीं है, बदलने का सिर्फ ड्रामा कर रही है। किसी के लिए अगर अच्छा नहीं सोच सकती हूँ तो बुरा भी मत सोचो। माहिरा और दिलकश के दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा दिल ये बात नहीं मानता कि माहिरा का दिल साफ हो चुका है। वो लड़की बदलने वालों में से नहीं है, वो सिर्फ एक वजह से वहां पहुंची है कि दुनिया को दिखा सके। सौतन होने के बावजूद वो जल्दी पहुंच गई, उसे कितनी मोहब्बत है दिलकश से, और सास ससुर शौहर अभी तक पहुंचे नहीं। मैं तो कहती हूँ ऐसा करते हैं, कोई टैक्सी वैन करवाते हैं, हम भी चलते हैं। तकरीब में क्या जवाब देता फिरूंगा अशोक भाई और रानी बहन को? मैं नहीं जा रहा समर के बगैर। तो ठीक है फिर, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर रही हूँ, आप करें इंतजार। क्या हो गया इस लड़के को? इससे पहले तो इसने कभी ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं दिखलाई, फिर आज ऐसा क्या हो गया? दिलकश, क्या हुआ? समर से बात हुई तुम्हारी कोई? नहीं अम्मी, वो मेरा फोन बिजी कर रहा है। क्यों परेशान हो रही हो दिलकश? मैं मजाक कर रही थी, समर आ जाएगा। और तुम समर के लिए सारे मेहमानों को तो इंतजार ना करवाओ ना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मायरा। समर ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? उसको क्या होना है वैसे? तो फिर वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मायरा तुम्हें बताओ, सब ठीक है ना? घर पे कुछ हुआ है क्या? नहीं, मतलब क्या होना है, सब ठीक है यार। बिलावल तुम्हारा फिर नंबर। अरे सॉरी समर साहब, आपको मे भी वैसे इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। सर वो एक्चुअली मैं इसलिए आया था कि मैं अपनी वाइफ दिलकश को डिवोर्स देना चाहता हूँ। रानी, रानी! अरे भाई, समर और उसके घर वाले किधर रह गए? कब होगी रस्म? सब मेहमान आ गए, पता करो ना। मैंने समर को फोन किया था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया है। थोड़ी देर पहले मेरी नजमा से बात हुई है, वो कह रही बस हम लोग निकल रहे हैं, पहुंचने वाले होंगे। अजीब बात है, उनकी बहू की तकरीब है और वही लोग गैरों जैसा सलूक कर रहे हैं। और ये समर, उससे मुझे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। अच्छा आप परेशान मत हो, बस वो लोग आते ही होंगे, मैं जरा मेहमानों को देख कर आती हूँ। समर साहब, मैंने आपकी सारी बात बड़े गौर से सुनी। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों फरीकें आपस में साथ बैठें और इस पर डिस्कस करें। मेरा ख्याल है कि आप लोग आपस में ही इस मसले को सुलझा लें तो बेहतर होगा, वरना फिर जाहिर है कानूनी चारोजी की जा सकती है। बात ऐसी है दरअसल कि बातचीत वहाँ की जाती है, दिलों में जरा गुंजाइश बाकी हो, बात करने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं वकील से। वो वक्त गुजर गया। अब खुलकर कहें समर साहब, क्योंकि केस बनाने के लिए सॉलिड वजूहात का होना बहुत जरूरी है। तो फिर साहब यही वजह जान लीजिए कि जाने अनजाने में दो दिलों के बीच में आ गया। मतलब आपकी वाइफ ने आपके साथ बेवफाई की है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
बेवफाई का लफ्ज दिलकश के साथ कभी मत छोड़िएगा, ना मोहब्बत की तौहीन हो जाएगी। क्या मतलब? तो बस इतना ही कहूंगा वकील साहब कि अगर इस रिश्ते में कोई बेवफा था तो वो मैं। वो तो बेवफाई का मतलब भी नहीं जानती। फिर क्यों आप अपनी वाइफ को तलाक देना चाहते हैं? सीधी सी बात है वकील साहब, मुझसे ना मोहब्बत का हक अदा नहीं हुआ, इसलिए वो मुझसे छीन कर किसी और को दे दी गई। अब जबकि मैं उस मोहब्बत का हकदार ही नहीं रहा तो दिलकश को निकाह में बांध के रखने का भी कोई जवाब समझ में नहीं आता। आप बराए मेहरबानी बस केस तैयार कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं समर साहब, बगैर इल्जामात के मैं कोई केस कैसे फाइल कर सकता हूँ? वकील साहब, जरूरी तो नहीं कि किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए उस पर इल्जामात का कीचड़ उछाला जाए, सरे बाजार एक दूसरे को बदनाम या बेइज्जत किया जाए। रिश्ते इज्जत से भी तो खत्म किए जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जोर नहीं दूंगा, लेकिन कुछ कानूनी तकाजे होते हैं जिनको पूरा करना बहुत जरूरी होता है। बहरहाल मैं मिसेस दिलकश को आपकी जानिब से जल्दी नोटिस भिजवा दूं। जी शुक्रिया। कैसे है नाम बेटा? पहले तो तुम लोग ये बताओ, तुम लोग यहाँ बुलाया किसने? मैंने बुलाया है इन दोनों को, मैंने दावत दी है इन्हें। अब आपने क्यों बुलाया ना? इस घर में कौन आए कौन जाए इस बात की इजाजत मैं तुमसे नहीं लूंगा इनाम। अब इजाजत लेने की बात कौन कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ इनका हमारी खुशियों में क्या काम। अरे बेटा छोड़ो भी, पिछली बातें भूल जाओ। बस मुझे बाबलंगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। तुम हद से बढ़े हो ना। अब हद से तो ये लोग बढ़े हैं, अपनी लालच में, अपने गर्ज में, और अब फिर अपने दिल में कोई गर्ज छुपाए, कोई लालच छुपाए आ गए यहाँ पे अच्छे बनने के। बस इनाम, मुझे तो लग रहा है ये लड़ रहे हैं। लड़ने दो भाई, हमारा मामला थोड़ी नया है, अपने घर के मामला तो सुधारेंगे खुद ही। लेकिन इंसान मौका महल तो देख लेता है, ये कोई वक्त है इन चीजों? आप समर को फोन कीजिए, पूछिए किधर है। ऐसा ना हो कि बड़ी महफिल में मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। पापा मैं बस अभी मैं जिंदा हूँ, मर जाऊं तो अपनी मर्जी करते रहना। अभी मैं जिसे बुलाऊं तुम्हें एतराज करने की जरूरत नहीं है। आइए भाभी, आओ अफजल, आइए। तुम्हारी मुस्कुराहट देख के लग रहा है जैसे तुम कुछ जानती हो। क्या करें भाभी, पता है आजकल ना लोग चलते बहुत है, किसी की खुशी देखी नहीं जाती उनसे। अगर तुम मेरी बात कर रही हो तो मैं क्यों जलूंगी तुमसे? लेकिन जलती का धुआं देख सकती हूँ मैं, और शायद उसकी तीली तुम्हारे हाथ में है। भाभी आप अंदाजे बहुत लगाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। समर कहाँ है तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं मुझे नहीं पता कहाँ है वो, आई थिंक अपने काम में बिजी है। इसीलिए तो कह रही हूँ नजर रखा करो, पता चले दूसरी की जगह कोई तीसरी भी आ रही हो। ऐसा नहीं है, समर कब क्या कर रहे होते ना भाभी मुझे सब पता होता है। तुम दोनों की बेखबरी का कहीं वो नाजायज फायदा ही ना उठा ले। समय ऐसे नहीं, दिलकश को भी ऐसा ही लगता था। अब उसकी ना समझी कहो या मासूमियत, जिसने समर को इतना मौका दिया कि तुम उसकी जिंदगी में वापस आ सको।
मैं समर की जिंदगी से कभी गई नहीं थी भाभी, और जहां तक रही बात दिलकश की, वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि मेरे और समर के रिश्ते में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता। दिलकश तो आ गई ना, और ये रिश्ता अब मजीद मजबूत होने जा रहा है, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये रिश्ता कब तक चलेगा तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, समर और मेरे रिश्ते में आने वाला कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये मैं बहुत जल्दी जानती हूँ। आपकी वाइफ की वाइफ इस दिलकश 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 ये बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। जब पहले दिन से शब्द दिलकश और हारून का शब्द पसंद करते पसंद करते पसंद करते पसंद करते सॉरी भाई, सॉरी 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 भाई, सॉरी लगी तो नहीं आपको, अंधे हो क्या? सॉरी, अगर लग जाती तो यार, सॉरी, पागल हो गया। अरे मैं तो कहता हूँ अब तुम यहीं आ जाओ, इतना बड़ा घर है, कब से कह रहा हूँ, वहाँ के मामलात हम पर छोड़ दो। नौरीन की बुशरा है, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है और कितनी प्यारी। नौरीन ये भाभी जान है, अपने इसहाक भाई की बीवी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाभी। इसहाक भाई का सुन के बहुत अफसोस हुआ, मुझे तो इतना ही नहीं मिली, अगर मिली होती तो मैं जरूर आती। बस जो अल्लाह को मंजूर, हमें तो खुद अपना होश नहीं था किसी को क्या इत्तला देते। वैसे ये मिलाप इसहाक की ज़िंदगी में हो जाता तो वो बहुत खुश होते, लेकिन अभी भी उनकी रूह खुश होगी हम सबको इकट्ठे यहाँ देखकर। जी नौरीन, ये मेरी बहू नौशीन है। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। अम्मी मैं ज़रा खाने का पता कर आई कि क्या बंदोबस्त है, मैं भी चलती हूँ। भाभी जान, ये बुशरा कैसी रहेगी अपने अफजल के लिए? इश्फाक तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। माशाल्लाह बुशरा तो बहुत प्यारी है और मेरे अफजल के साथ तो उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। यानी कि आपको भी कोई एतराज नहीं है, और नौरीन तुम बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है? जी भाई साहब, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, बुशरा आपकी बेटी है, जो आप बेहतर समझे। यानी मंजूर है, ये तो दोहरी खुशी हो गई, तो इन सब लोगों को भी शामिल करना चाहिए इस खुशी में, हैं? देखिए भाई, मुझे आप सबको ये बात बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैंने अपने भतीजे अफजल की शादी अपनी भांजी बुशरा के साथ तय कर दी है। जल्दी आप लोगों को दावतनामे मिल जाएंगे, आप लोगों से शिरकत की दरखास्त है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो।
बेटा लगता है तुम भी मेरे फैसले से खुश नहीं हो औरों की तरह, लेकिन मेरा फैसला सही है ये बात मैं साबित करके रहूंगा। अफजल बुशरा को खुश रखेगा। जिंदगी के कुछ फैसले इंसान को सही साबित करते हैं और कुछ फैसलों को सही साबित करने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। ऐसा क्यों होता है अबा जानते हैं आप? गलत फैसलों का बोझ इंसान को अंदर ही अंदर मार देता है। इंसान अपनी अना को अपनी बका समझ बैठता है। कि तुम लोग ये क्यों नहीं समझते कि अफजल पहले जैसा अफजल नहीं रहा? भाई साहब के गुजर जाने के बाद मैं ही वाहिद सहारा हूं उसका, तो क्या उसका मेरे ऊपर हक नहीं बनता? आपके दिल में अफजल के लिए नरम गोशा है, मैं जानती हूँ आप, लेकिन इस हक की अदायगी में एक और जिंदगी भी शामिल है। मैं बुशरा को एक और दिलकश बनते हुए नहीं देख सकती। अब दिलकश बेटा, अफजल ने माजी में जो कुछ भी किया वो उस पर शर्मिंदा है। सिद्दीक़ दिल से माफी मांगी है उसने। दिलों के भेद तो खुदा ही जानता है ना अब्बा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपने बुशरा के लिए जो फैसला किया है वो नया नहीं है, अधूरा है। ये वही अधूरा किया गया फैसला है जो कुछ साल पहले आपने मेरे और अफजल के बीच किया था। उस वक्त आप गलत साबित हुए थे और मुझे डर है कि कहीं इस बार भी आप गलत ना साबित हो। कोई तुक होती है गैर जिम्मेदारी की, पता नहीं मसूफ कहाँ गायब है। अब मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी भेजा जो मुझे बातें सुना रहे हैं आप। मैं तो खुद परेशान हूँ, हद कर दिया आज इस लड़के ने, नाक कटवा दी हमारी। कहाँ गए थे तुम? कितने फोन किए तुम्हारी माँ ने, कम से कम फोन तो उठा लेते। दिलकश के घर में एक एक फर्द ने तुम्हारे बारे में पूछा, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है हमें। समर कुछ पूछा है तुमसे? जवाब दो, कहां थे तुम? एक मसले में फंस गया था। ओ भाई, मसला था तो हमें बता तो देते। और नहीं तो क्या? दिलकश बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अच्छा नहीं किया तुमने उसके साथ। हमने सोचा था कि तुम्हारे साथ जाएंगे, इतने सारे तोहफे तहाइफ लिए गए, मजबूरन हमें अकेले जाना पड़ा। अच्छा किया कि आप लोग चले गए। बात सुनो, कोई बात हुई दिलकश से तुम्हारी? हाँ समर बताओ, दिलकश से कोई नाराजगी चल रही है, कोई झगड़ा हुआ है क्या? अम्मा, दिलकश और मेरे बीच में अब कोई झगड़ा नहीं होगा। तो फिर? बस फैसला होगा। फैसला? कैसा फैसला? ओ भाई, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। मैंने दिलकश को तलाक देने का फैसला कर लिया है। क्या? क्या? क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो मैंने कहा आप लोगों ने सुन लिया। मुझे तो लगता है इस लड़के का दिमाग खराब हो गया। अब जब सब कुछ ठीक हो गया, घर में खुशी आने वाली है, को क्या सोचिए तलाक की?